पूरे देश में रविवार को हर्षोल्लास के साथ दिवाली का त्यौहार मनाया गया। इमारतों को रंगीन रोशनियों की लड़ियों से सजाया गया और लोगों ने घरों के सामने और छतों पर मिट्टी के दिए जलाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली के अवसर पर जम्मू कश्मीर में रजौरी जिले में तैनात जवानों के बीच पहुंचकर दिवाली मनाई। इस दौरान प्रधानमंत्री ने जवानों के शौर्य और पराक्रम की सराहना करने के साथ ही दिवाली के पर्व पर शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि बहुत सारे बॉर्डर इलाके हैं, लेकिन ये अनूठा है। युद्ध हो, विद्रोह हो, घुसपैठ हो, इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है और ये हर बार सामने आया है। ये इलाका है जो कभी नहीं हारा है। ये न केवल विजयी है बल्कि अजय भी है। उन्होंने कहा कि ये परंपरा है कि लोग अपने परिवार के साथ दिवाली मनाते हैं। मैंने भी अपने परिवार के साथ इसे मनाने का फैसला किया, इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ। आप लोग मेरे परिवार हैं। पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं ले रहा। दिवाली के दिन भी उसने अपनी नापाक हरकतों को जारी रखा। जम्मू संभाग के राजौरी जिले के सुंदरबनी सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। इस दौरान पाकिस्तान ने फायरिंग की, जिसमें भारतीय सेना के एक जवान के घायल होने की सूचना है। वहीं भारतीय सेना पाकिस्तान को उसकी नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सऊदी अरब की 2 दिवसीय यात्रा के लिए रवाना होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री सऊदी अरब के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की ओर से कल यानी कि 29 से 31 अक्टूबर के बीच होने वाली 3 दिवसीय कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। कश्मीर को वैश्विक मुद्दा बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों और देश में आर्थिक मंदी की आहट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की सऊदी अरब की इस दूसरी यात्रा को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसके पास सरकार बनाने के लिए जरूरी बहुमत नहीं है। वहीं परिणाम आने के बाद उसकी गठबंधन पार्टी शिवसेना ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। वो मुख्यमंत्री पद पर अपना दावा ठोक रही है। हालांकि भाजपा मुख्यमंत्री पद अपने पास ही रखना चाहती है, लेकिन शिवसेना ने उसे 2.5 साल के मुख्यमंत्री का ऑफर दिया है, जिसके कारण दोनों के बीच एक राय नहीं बन पा रही है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कहा कि शिवसेना को आदित्य ठाकरे के लिए उप मुख्यमंत्री पद स्वीकार कर लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि भाजपा 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाए जाने की बात पर सहमत होगी। ऐसे में शिवसेना को देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनने देना चाहिए। हरियाणा में दीपावली पर नई सरकार बन गई। त्योहार के दिन मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के 11वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। उनके साथ जननायक जनता पार्टी सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला ने बतौर उप मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण की।